हेलो नेहा, कहाँ हो तुम? मैं अपनी फैमिली को ढूंढने जा रही हूँ विनय। नेहा फौरन वापस लौट जाओ, वो हाईवे खतरे से खाली नहीं है। अपनी सफाई दे रहे हो? शट अप नेहा। देखो नेहा, हाईवे पे एक ट्रक है जो बार बार देखा गया है। वो उन गाड़ियों को गायब कर रहा है जिसमे कोई लड़की हो। अरुण की गाड़ी इसलिए गायब हुई क्योंकि उसमें अरुण की बहन पल्लवी और तुम्हारी बेटी ईशा थी। नेहा देयर इज सम मिस्ट्री बिहाइंड इट। तुम्हें पुलिस की मदद लेनी चाहिए। आई विल हेल्प यू एंड प्लीज ट्रस्ट मी नेहा। अरुण के गायब होने में मेरा कोई हाथ नहीं है। नेहा तुम मेरी बात ध्यान से सुनो। एक लाल रंग का ट्रक है जिसका नंबर है CX025439। स्टॉप इट विनय, मुझे अपनी स्टोरी से ना बंद करो। मुझे तुम्हारी कोई सलाह की जरूरत नहीं है। तुमने मेरे अरुण को मुझसे दूर किया है। मुझे किसी भी हाल में मेरी फैमिली को ढूंढना होगा और मैं उन्हें ढूंढ कर रहूंगी। सुना तुमने? और हाँ, अगर कोई ऐसा है जो ऐसी गाड़ियों को गायब करता है जिसमें लड़कियां हैं, तो आई विल फेस इट। सुना तुमने? आई विल फेस इट। नेहा, हाईवे पे एक ट्रक है जो बार बार देखा गया है। वो उन गाड़ियों को गायब कर रहा है जिसमें कोई लड़की हो। तुम और एक टीम मेरे साथ चलो और यहाँ पर कंट्रोल रूम में सीसीटीवी फुटेज के सामने जो भी टीम रहेगी वो मुझसे रेगुलर टच में रहेगी। जी सर। और कंट्रोल रूम को इन्फॉर्म कर दो कि हमें हाईवे के लिए मुकुंदगढ़ की तरफ से फोर्स चाहिए। जी। हाँ बोलो सर। ये लाल ट्रक तो नेहा की गाड़ी के आगे आगे। What? तो मुझे उनकी एग्जैक्ट लोकेशन भेजो और उनकी मूवमेंट्स मॉनिटर करते रहो। ओवर एंड आउट। जी सर, ओवर एंड आउट। हेलो। हेलो नेहा। नेहा तुम ठीक? तो मैं ठीक हूँ विनय। वो एक ट्रक मेरे पीछे लगा हुआ था। उस ट्रक का नंबर CX025349 तो नहीं विनय? वो ट्रक अब नहीं।
हेलो हेलो नेहा, क्या हुआ? विनय, विनय वो ट्रक से मेरे पीछे आ रहा है। विनय, उस ट्रक का नंबर CX02-5439 ही है। नेहा, तुम मेरी बात ध्यान से सुनो। तुम कहीं पे भी मत रुकना जब तक अगला चेक नाका नहीं आ जाता। मैं इधर से आ रहा हूँ। हेलो हेलो नेहा, विनय सर कमिंग। हाँ बोलो सर। कैमरे फिर से ब्लैंक हो गए और नेहा की कार का कोई पता नहीं चल रहा है। ओवर एंड आउट सर। गाड़ी तेज चलाओ। सर ये तो जले हुए हैं। चलो यहां से। हाईवे पर खुलेआम दौड़ रहे खौफ के रहस्य से पर्दा उठाने का जो फैसला नेहा ने किया था, वो हर कदम पर उसके साहस की अग्नि परीक्षा ले रहा था। और अब शक के दायरे में आया ये संदिग्ध ट्रक लगातार हाईवे पर नेहा के साथ लुका छिपी का खेल खेल रहा था। लेकिन हैरानी की बात तो ये थी कि आखिर बिना ड्राइवर के ये ट्रक दौड़ कैसे रहा था? आखिर क्या राज था इस ट्रक का? कहां से आता था और कहां गायब हो जाता था? क्या हाईवे से गायब हो रही गाड़ियों और लोगों के तार इसी ट्रक से जुड़े थे? आखिर इस केस में आया ये अजीबोगरीब मोड़ किस ओर इशारा कर रहा था? क्या थी असलियत? इन सवालों के जवाब किसी के पास नहीं थे। और अब ये संदिग्ध ट्रक नेहा के पीछे लग चुका था। क्या विनय समय रहते नेहा तक पहुंच पाएगा या फिर नेहा भी इस रहस्यमय हाईवे की शिकार बन जाएगी? नेहा, तुम ठीक? तो मैं ठीक हूँ। और वो ट्रक? वो मेरे सामने खड़ा है विनय। ये जो कोई भी है, आज मैं इसे नहीं छोड़ूंगी। नेहा, नेहा, डोंट बी मैड। तुम वहां से भागो। ऐसा कोई गलत कदम मत उठाना। नेहा, नेहा, मेरी बात सुनो। नेहा, नेहा, बाहर आ, बाहर आ। सिर्फ तेरी वजह से मेरा परिवार मुझसे बिछड़ गया। पता कहाँ है मेरा परिवार?
हेलो नेहा, नेहा कहाँ हो तुम? मैं उस ट्रक तक गई थी, लेकिन वो ट्रक ड्राइवर पता नहीं कहाँ निकल के भाग गया। वो ट्रक कहाँ पर? नेहा, हेलो, सब तरफ देखिए, कहीं कुछ नहीं मिला। चलो सर, वो ट्रक इसी रोड पर होना चाहिए। सर सब तरफ देख लिया, अब कहीं कुछ नहीं मिला। हाँ बोलो सर। वो लाल ट्रक तकरीबन 60 किलोमीटर आगे देखा गया है, जहां से वो सीसीटीवी कैमरे बंद हुए थे। मैं नेहा को भी नहीं बचा पाया। चलो एज यूजुअल कुछ भी नहीं मिला सर, ना नेहा की कार और ना वो ट्रक। कुछ मिलेगा भाई, क्योंकि तुम्हारी गाड़ी में कोई लड़की नहीं थी। ये सब तो गाड़ियों के पास है। तो हमारी गाड़ी के पास
हुइया हम बो, भैया हुइया हम बो। नेहा की आंखों के सामने जो मंजर गुजर रहा था वो बेहद ही डरावना और हैरान कर देने वाला था। एक अजीब सी साधुओं की टोली एक घने जंगल के बीचों बीच एक हैरतअंगेज साधना में जुटी हुई थी, जहां इंसानों को बड़ी बेरहमी से बंदी बनाकर रखा गया था। नेहा तो सही सलामत थी, पर कहां थी? आखिर कौन सी जगह थी ये जहां पर इतने सारे गाड़ियों के पार्ट्स मिले? डरी सहमी नेहा इस रहस्य को तोड़ना चाहती थी, पर इस वक्त उसके लिए उसके परिवार से ज्यादा जरूरी और कुछ नहीं था। नेहा ये तो जान गई थी कि उसके गाड़ी के पार्ट्स भी यहीं थे, पर उसके परिवार वाले जिंदा थे या नहीं इसका कुछ नहीं पता था। हुइया हम बो, हैया हुइया हम बो, हैया हुइया हम बो, हैया हुइया हम बो, हैया हुइया हम बो। एक गाड़ी अभी अभी हाईवे की तरफ गई है, नंबर नहीं देख पाया। We'll be right back.
सब कुछ तैयार रखना, हम निकल रहे हैं। पल्लवी और अरुण यही तो नहीं। जप कर लो, कल सुबह सूरज उगते ही तुम्हें स्वर्ग की यात्रा पर जाना है। क्या कर रही नेहा? आदमी साहब जो मुझे बोलता था कि ट्रक से मार कर गाड़ी को खाई में गिरा दो साहब, इसके आगे मुझे कुछ नहीं पता है साहब। साहब ये क्या बोल रहा है मुझे समझ में नहीं आ रहा, मुझे कुछ नहीं पता साहब। पता कहाँ है वो लोग,
जिनको तूने आज तक गायब किया, बताओ। साहब मैं सच बताता हूँ, मुझे कुछ नहीं पता साहब। साहब मैं कुछ नहीं बता सकता, अगर बताया तो गुरुजी मुझे भस्म कर देंगे, वो मार कर मेरा खून पी जाएंगे। साहब साहब गुरुजी का सीधा रिश्ता शैतान के साथ है। हाईवे पर जो ट्रक गाड़ियों पर हमला करता था वो तो पकड़ा जा चुका था, लेकिन नेहा अब भी एक सुनसान जंगल में भटक रही थी जहां से उसका निकल पाना नामुमकिन लग रहा था। विनय ने जब पेट्रोल पंप के अटेंडेंट से पूछताछ की थी तो उसने एक गुरुजी का नाम लिया था। क्या ये वही गुरु था जिसे नेहा ने जंगल में देखा था? ट्रक का रहस्य तो खुल चुका था, लेकिन हाईवे का रहस्य खुलना अभी बाकी था। क्या नेहा सही सलामत थी? क्या विनय नेहा और उसके परिवार को वक्त रहते बचा पाएगा? यहीं पे शर्मा चेक करो वहां पर। सर हाँ सर, ये देखिए, ये तो नेहा का फोन है। इसका मतलब वो यहीं कहीं से गायब हुई है। सर मुझे भागा, पकड़ो उसे। गुरुजी मुझे बचा लीजिए। पुलिस को ट्रक वाली बात पता चल गई है गुरुजी, वो मेरे पीछे पड़ी हुई है,
बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचा के यहाँ पे आया हूँ गुरुजी, लेकिन मैंने उन्हें आपके आश्रम के बारे में कुछ नहीं बताया गुरुजी। गुरुजी मुझे माफ कर दीजिए। तरीके से बांध कर लिया है और उन लोगों ने मेरी बेटी को मार डाला। आज मैं तुम लोगों को बचा के ये सोच रही हूं कि मैं अपनी बेटी को बचा रही हूं। मुझे लगता है हम अपने मंजिल के बहुत नजदीक हैं। चलो। किस तरह के साधु हैं ये? साधु नहीं है, ये शैतान है। शैतान कानून से भागे हुए। तुम जल्दी से जाओ और अपनी बेटी को बचाओ, वो उसी कुएं में। उसका कुछ मत करना। अरुण, अरुण, निया, आगे सूखे पत्तों की दीवार मिलेगी, वो दीवार नहीं बाहर जाने का रास्ता है।
नेहा छोड़ दो, छोड़ दो मुझे। रुको, नहीं तो गोली मार दूंगा। इन्हें चल, भस्म होगा तू। अब बोला ना तो तुझे भस्म कर दूंगा। ना पुलिस स्टेशन ना केस, सीधा, समझ गया ना? रघु, 3 मर्डर 4 रेप केसेस, फांसी की सजा। पांडे, अपनी माँ का खून करके उसके टुकड़े करके पानी में फेंक दिया, उम्र कैद। पेशंबर फिरौती, 14 साल की सजा काट रहा है। और ये है उनका सरदार पिंटू, छोटा कट्टा। बाप चाहता था कि ये फौज में भर्ती हो, लेकिन इसके इरादे कुछ और ही थे। इसने अपने बाप का ही खून कर दिया और जिस लड़की से इसकी शादी होने वाली थी उसका भी खून कर दिया और भाग गया। मौत की सजा सुनाई गई थी इसे। पुलिस ने इन्हें बहुत ढूंढा, लेकिन ये सब के सब अचानक गायब हो गए। इनके पास इतने पैसे नहीं थे और ना ही इतने बड़े मुजरिम थे कि विदेश भाग जाते। इसलिए इन्होंने साधुओं का वेश अपनाया जिससे कि उन्हें कोई पहचान न सके। और फिर उसके बाद हाईवे पर उन्होंने अपना यह खतरनाक खेल शुरू कर दिया। बस सर, ये ट्रक से कार को धक्का देता था, वो लोग कार को अंदर ले जाते थे और जो भी गहने जेवर और मोटर पार्ट्स होता था उसको मैं बाहर जाके बेच देता था। मुझे तो तभी शक हो गया था जब मुच्छड़ मुझे गाड़ियों के हाईवे पर जाने की खबर दिया करता था, ये समझ के कि वो मेरा खबरी बन जाएगा और मैं उस पर शक नहीं करूंगा। अब सब के सब अपने सही ठिकाने पे पहुंच गए। थैंक्स विनय, थैंक यू वेरी मच। नहीं अरुण, थैंक्स कहना तो मुझे नहीं, नेहा को कहो। हमने कहानियों में सुना है कि सावित्री यमराज से अपने पति के प्राण छुड़वा के लिए आई, लेकिन आज तो हमने साक्षात आज के युग की सावित्री को देख लिया जो अपने परिवार वालों को मौत के मुंह से बचा के ले आए। पूछताछ के दौरान ये पता चला कि ये सभी साधु असल में जेल से भागे हुए कैदी थे जिन्हें इस पागल साधु ने शरण दी थी और उन्हें अमर बनाने के बेतुके सपने दिखाए थे। हाईवे पर डकैती के अपराध के लिए आईपीसी की धारा 392 का इस्तेमाल होता है, जिसमें अधिकतम 10 साल कैद की सजा का प्रावधान है। और किसी व्यक्ति को हत्या या ऐसे ही किसी और संगीन अपराध के लिए भड़काने के लिए आईपीसी की धारा 108 है, अधिकतम सजा फांसी। और हत्या के अपराध के लिए है धारा 302, जिसमें भी अधिकतम सजा है फांसी। इस ढोंगी साधु को इन तीनों धाराओं के तहत अपने अपराधों के लिए फांसी की सजा सुनाई गई, लेकिन इसके बावजूद उसे अपने किए पर कोई पछतावा नहीं था। हमारे देश में ऐसे कई अंधविश्वास फैले हुए हैं, जैसे कि बिल्ली का रास्ता काटना, साधु महात्मा के कहने पर किसी की बलि चढ़ा देना वगैरह वगैरह। हम आज तक इन्हें नहीं मिटा पाए हैं। पाखंड का ये व्यवसाय हर रोज ना जाने कितने लोगों का सुख चैन छीनता है। इसीलिए हमारी आप सबसे विनती है कि ऐसे लोगों से सावधान रहें और ईश्वर के प्रति अपनी श्रद्धा, अपनी भक्ति को अंधविश्वास की चादर ओढ़कर पागलपन में तब्दील न होने दें। इस हैरान कर देने वाले अपराध में जिस तरीके से वारदात को अंजाम दिया गया था उस पर भी गौर करना बेहद जरूरी है। ये अपराधी इतना शातिर था कि उसने अपने जुर्म को दैवी शक्ति का चोला पहना रखा। ऐसा लग रहा था कि गायब होने वाली गाड़ियां और वो सवारियां किसी अलौकिक शक्ति के शिकार हो रही थी, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं था। इसलिए बेहद जरूरी है कि ऐसी अफवाहों को हमेशा अपनी समझ की कसौटी पर परखें, जैसा कि नेहा ने की। और उसी की दिलेरी की वजह से डर और दहशत के एक पूरे प्रपंच का खात्मा हो सका। अब हमें इजाजत दीजिए, आपसे फिर होगी मुलाकात। सावधान रहिए, सतर्क रहिए, सुरक्षित रहिए। सावधान इंडिया, इंडिया फाइट्स बैक।